क्या बात है, दिन हो चुका है आज का भाई साहब। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं तो बहुत जल्दी उठ गया था, नहा चुका हूँ मैं अभी, मैंने कपड़े नहीं पहने उस हिसाब से कि भाई मैं बाहर जाऊँ। क्योंकि क्या था, मैं जैसे नहा के वापस आया अपने कमरे के अंदर तो मुझे एक मैसेज आया कि मेरी जो रिकॉर्डिंग है, मतलब मुझे काम पे जाना था, वो कैंसिल हो चुकी है, विच मींस कि अब मुझे वहां नहीं जाना है। लेकिन मुझे तब भी जाना है क्योंकि मुझे पुराने वाले काम निपटा रहे हैं रेंडर वेंडर का, और उसके बाद 4:45 से एक रिकॉर्डिंग तो है ही, पर अभी मैं खाली हो चुका हूँ, सुबह के 9 बज रहे हैं। बताओ, वो अलग बात है कि IPL आ रहा है तो मैं वैसे भी उठता और मैं वैसे भी देखता ही। बड़ा दिन की शुरुआत करते हैं, नाश्ता करते हैं, जिम चलते हैं। यार टाइम मिला तो जिम चलते हैं सुबह, और पहले जरा सेकंड इनिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे जिम। मैच तो खत्म हो चुका है, IPL का अभी प्लान था कि जिम जाऊं, लेकिन मैं जिम नहीं जा रहा अभी, पहले मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूं उसके बाद जिम जाऊंगा। तो वो मेरा सुपर इंटेंस वर्कआउट जिसने एनर्जी ड्रिंक को भी मात दे दिया है, वो फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है। फटाफट से प्रोटीन शेक पीता हूं, फिर चलते हैं ऑफिस। पहले पूरा रेंडर वगैरह अपलोड वगैरह काम करेंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। फाइनली मैं ऑफिस में प्रस्थान कर चुका हूँ, शायद प्रस्थान ही बोलते हैं इस चीज को, शायद से, आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन मैं ऑफिस आ चुका हूँ। अब फटाफट से यार रेंडर पे लगाते हैं, मतलब मुझे तो कुछ करना नहीं, मुझे बस लगाना है रेंडर पे, फिर वो होता रहेगा, एक घंटा लगाएगा, तब तक देखता हूँ मैं क्या करूंगा। आज मैंने तुमसे ज्यादा बात नहीं करी, आज कुछ था ही नहीं, बस ऐसा नया कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ मिला ही नहीं आज। देखते हैं क्या बात करूंगा मैं आज तुम लोगों से। भाई लंबी वाली वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया, वो यहाँ पे डल चुकी है। जो छोटी वाली संडे वाली रिकॉर्डिंग थी वो भी ऑलमोस्ट रेंडर हो चुकी है, मतलब ये 0:00 आ रहा है टाइम रिमेनिंग, विच मींस ये हो चुकी है, अभी प्रोसेस हो रही होगी और एक दो मिनट में हो ही जाएगी। 4:40 हो चुके हैं, 4:45 की रिकॉर्डिंग हो गई, ये भी हो गई, देखते ही देखते। 4:45 की रिकॉर्डिंग यहीं पे ही है, ज्यादा दूर भी कहीं नहीं जाना मुझे अभी, इतने टाइम मैंने बस टाइम पास किया, देखो फेस टाइम पे, और कुछ नहीं किया। देखो सब अच्छे हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग का काम जो है वो खत्म हो चुका है। मुझे ना बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ मस्त सा खाना है, देखते हैं इस बिल्डिंग में कुछ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ मिलेगा नहीं, इसका कैफेटेरिया बंद हो जाता है 3 बजे। 6:20 हो रहे हैं और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इन फाइल्स को रेंडर करूँ या ना करूँ। ये टोटल 6 फाइल्स हैं और 8-8 मिनट की हैं लगभग, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इनको रेंडर करता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ या ना करूँ, क्या किया जाए, क्योंकि भूख लग रही है मेरी। कल शाम को भी एक रिकॉर्डिंग है, तो मैं जैसे आज जल्दी आया और मैंने पिछला काम निपटाया, मैं कल जल्दी आके ये वाला काम निपटा सकता हूँ और फिर रिकॉर्डिंग पे जा सकता हूँ, मतलब कुछ भी किया जा सकता है। मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए, तो मैंने रेंडर पे लगा ही दिया है। मैं सोचा लगे आप कर ही देते हैं अब, क्योंकि देखो मैं जिम भी जा चुका हूँ, मैंने व्लॉग भी एडिट कर लिया है आज का, तो इसलिए मैंने लगा ही दिया। मैं ये काम भी निपटाओ अपना, खत्म करो इसे भी। अब जो इनका मेन कैफे होता है वो तो बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक और कैफे है, मुझे समझ आई बात, और वो कैफे खुलता है सिर्फ और सिर्फ शाम को, और वहां मिलता है कुछ, लेकिन वो पक्का खुला है या नहीं खुला है ये नहीं पता है, पर चेक करके आते हैं क्या मामले हैं और देखते हैं कुछ मिलता है खाने के लिए। तो ये जो करेक्ट लॉज लिखा है इसके अंदर जाके कैफे है, बट मुझे नहीं लग रहा कि खुला है अभी। हाँ यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अरे यार भूख लग रही है, स्टोर खुला हुआ था इनका, मैंने एक प्लेन क्रोसेंट ले लिया जो गर्म हो रहा है फिलहाल। कम से कम कुछ तो मिला ना खाने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना एकदम ही भूखा रहना पड़ेगा मुझे। क्रोसेंट यार दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, मैंने एक बाइट ले लिया तो खाने में भी ठीक ठाक ही है, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है, बस सही है, मतलब थोड़ा आधार हो जाएगा मेरा अभी के लिए। ऑलराइट गाइस, सारा काम खत्म हो चुका है, व्हिच मींस इट्स टाइम फॉर मी टू लीव। भाई ठंड हो गई है बहुत, यहाँ ना हवा चलती है, यहाँ ना 24 घंटे हवा चलती है। बे एरिया है ना, समंदर के आसपास का एरिया है ना, तो हवा बहुत चलती है यहाँ पे, और वो हवा होती है ठंडी, मतलब इन जनरल ठंड तो हो ही रही होती है, ऊपर से ठंडी हवा और मार दो बहुत ठंड हो जाती है, इसलिए मैं जैकेट पहनता हूँ यूजुअली। जैकेट मेरे पास 2 ही है, मैं बोर हो गया वो 2 ही जैकेट पहन पहन के, कुछ अगर नॉर्मल ऐसे हुडी वगैरह पहनते तो फिर ठंड लगती है, पर अब तो क्या ही किया जा सकता है, ठंड में घर जा रहा हूँ फिलहाल, घर नहीं जाऊंगा पहले, शायद रास्ते से दूध उठाऊंगा। चलो भाई ट्रेडर जूस आ चुका हूँ मैं फिलहाल, फटाफट से दूध उठाते हैं फिर घर निकलते हैं, लेकिन लाइन बहुत लंबी है बिलिंग की। चलो सब काम करके मैं वापस घर आ चुका हूँ, फिलहाल 8:30 हो रहे हैं।